नमस्कार स्टूडेंट, मैं पीयूष उपाध्याय विजुअल इफेक्ट कंप्यूटर इंजीनियरिंग ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूँ स्टूडेंट। आज हम फिर एक नए टॉपिक लेके आए हैं। ये भी जीएसटी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। वो ऐसे डीलर के लिए होता है जो डीलर हमारे यूनियन टेरिटरीज के अंतर्गत रहते हैं, यानी जिसका आपके केंद्रीय शासित प्रदेश से जो बिलोंग करते हैं, जहाँ पे हमारा यूटी जीएसटी लागू होता है। इसको बोलते हैं यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी केंद्रीय शासित प्रदेश क्या है। आज हम जानेंगे कि यूटी जीएसटी क्या होता है और इसका इस्तेमाल जीएसटी में कैसे करना चाहिए। तो चलिए शुरू स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द यूटी जीएसटी? तो चलिए शुरू स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स? सिमिलर टू द हाउ एस जीएसटी इज लिव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आर यूटी जीएसटी। इट इज लिव्ड बाय द यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट्स। इट रिफर टू the tax levied on the intra-union territory supply of goods and services. This act is called the Union Territory Goods and Service Tax Act 2017, which is founded in the following union territories: Delhi, Chandigarh, Pondicherry, Lakshadweep, Daman and Deep, Dadar, Nagar Haveli, अंडमान निकोबार, आइसलैंड एसेट्रा। तो चलिए स्टूडेंट हिंदी में जाने। यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स यूटी जीएसटी या यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के तहत आने वाली श्रेणियों में से एक है। जैसा कि नाम से पता चलता है कि जीएसटी वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है। संघ राज्य क्षेत्र के भीतर माल और सेवा की आपूर्ति पर यूटी जीएसटी लागू है। इस अधिनियम को केंद्र शासित प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम 2017 कहा जाता है, जो कि निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश में लगता है: दिल्ली, चंडीगढ़, पौंडीचेरी, लक्षद्वीप, दमन द्वीप, दादर एंड नागर हवेली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह एसेट्रा। आशा है आपको समझ में आएगा कि यूटी जीएसटी क्या होता है और इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। तो हर वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। वीडियो को शेयर किया कीजिए। जो मित्र अपने एजुकेशन लाइन में काम कर रहा है या एजुकेशन बीकॉम कर रहा है, बीकॉम सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर जो भी, या अकाउंट सेक्शन में काम स्टार्ट करने जा रहा है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो वीडियो अपने मित्रों दोस्तों को जरूर शेयर किया कीजिए और अगला वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए नमस्कार।